बहुत महंगा है, लोग परेशान किया टमाटर ने। क्या वजह क्या है इसकी महंगाई की, क्या वजह है जो इतना महंगा हुआ जा रहा है टमाटर, ये भी तो बताओ। महंगाई इस अपने चैनल की तीसरी वीडियो में हम गए थे सब्जी मंडी, जिसका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि पार्ट टू बनाया जाए। पार्ट टू का वैसे मुझे कभी मौका मिला नहीं, ना मैंने कभी सोचा, लेकिन आजकल जो एरा चल रहा है जहाँ पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज पर पहुँच चुकी है, जिसमें मेडिसिन, पेट्रोल, राशन और दीगर रोज़मर्रा की अशियाँ काफ़ी महंगी होती जा रही हैं, और जिस चीज़ पर आजकल सबसे ज़्यादा धमाल मची हुई है वो है सब्ज़ियाँ, जिसमें बिल्कुल से आता है टमाटर। तो आज मैं जाऊँगा सब्ज़ी मंडी और हम वहाँ जाके ये चेक करेंगे क्या ऐसे रीज़न है, क्या वजूहत है जो सब्ज़ियाँ आम आदमी की पहुँच से इतना दूर होती चली जा रही है। तो आइए चले देखते हैं। आरती से लेके आया हूँ, मैंने 25 रुपए किलो लिया, आगे गिराक 20 रुपए किलो भी नहीं ले रहा, मैं क्या करूँ। जब ये हम मंडी में बैठ के हम नुकसान कर रहे हैं, कम दाम में बेच रहे हैं, तो ये तो बाहर वालों ने भाई आग लगाई हुई है ना, बाहर वालों से पूछो जो चीज़ यहाँ से लेके जाते हैं। वाले कौन? बाहर वाले कौन जो ठीये लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से लेके जाते हैं 40 रुपए किलो एक आइटम, 1200 रुपए किलो, इसमें हमारा क्या कसूर है, मंडी वालों का क्या कसूर है? मतलब अभी मुझे विजिट करने के बाद पता चला है कि यहाँ पर इतनी महंगाई नहीं है जितनी रिटेल्स पर है, यहाँ पर सही नॉर्मल रेट्स हैं यहाँ पे, मतलब टमाटर को छोड़ के बाकी सब सब्जियों में टमाटर के रेट्स काफ़ी आई हैं यहाँ पे भी और यहाँ से ज़्यादा रिटेल में भी, ठीक है ना। सब्जी इतनी महंगी नहीं है जो यहाँ महंगी है जो वहाँ बेचते हैं, कहाँ पे आप जो शहरों में जो बेचते हैं ठीक वाले, ठीक है, यही तो असल मसला है, प्राइस लिस्ट नहीं है उनके पास, प्राइस लिस्ट नहीं दी है यहाँ से। हम लोग खीरा अगर हम लोग दे देते हैं ना 800 रुपये का, वो 20 रुपये किलो, वो वहाँ बेचेंगे 50 रुपये 60 रुपये किलो। भिंडी जो यहाँ हम लोग बेच रहे हैं 100 रुपये किलो बेचे, वो वहाँ बेचते 250 रुपये किलो। इनको ही तो पकड़ना है, यहाँ आप पूछो, ये आप लेन से पूछते हो जो आप किसी से भी, ठीक है ना, क्या रेट चल रहा है, रेट यहाँ महंगा नहीं है। अभी आप अदरक के क्या बेच रहे हो? 230। वहाँ क्या बिक्री शहर में? 500 रुपये। 500 रुपये बताओ कितना फर्क है भाई जान। सारी बात यह है कि मार्केट कमेटी जो है रेट कंट्रोल नहीं कर रही, उनका काम है कि हर हफ्ते आके वो राउंड पर आए और रेट इनका कंट्रोल करें, ठीक है, कोई चीज़ नहीं बढ़ेगी, ना यहाँ बढ़ेगी ना वहाँ बढ़ेगी, जो यहाँ का रेट खुलता है वो शहर में मैनेजमेंट का मसला है, बाकी सब बाकी कुछ नहीं, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो अपना माल उसी हिसाब से बेच रहा है, जिसका जहाँ लग रहा है वो बेच रहा है। और ये जो ट्रक का कह रहे हैं, हमने तो अफवाह ही सुनी अभी तक, हमको पता चला अफवाह ही है ये कि ईरान से जो ट्रक आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सब फजूल बात है, यहाँ मकामी टमाटर खत्म हो चुका है, मकामी अभी कम से कम 20 दिन लगेंगे सिंध का टमाटर आने में। अच्छा, ये भी अफगानिस्तान चल रहा था, अब ईरान आएगा, ईरान आएगा बॉर्डर से, बॉर्डर का मसला है वो उनको पता है, यहाँ मकामी टमाटर नहीं है सिंध का बलूचिस्तान का, अब वो बैलेंस नहीं पूरा हो रहा।
मोबाइल महंगे करो, ये कोल्ड ड्रिंक महंगे करो, जूस महंगे करो, ये आटा सस्ता कर दो भाई।